नमस्कार दर्शकों, मैं आरिष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहने वाला है, इन तीनों महीनों में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ के बारे में, हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में और अप्रैल के महीने के बारे में। यदि बात करें तो केतु आपके पंचम भाव में कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, शनि और मंगल दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। शनि तीनों महीने दशम भाव में रहेंगे। अप्रैल के महीने में मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे राहु के साथ। वही शुक्र राहु और सूर्य की युति एकादश भाव में मीन राशि में अप्रैल महीने में देखने को मिलेगी। शुक्र जो है एकादश भाव में गोचर करेंगे 24 अप्रैल तक, उसके बाद ये मेष राशि में चले जाएंगे और सूर्य जो है एकादश भाव में 13 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। राहु तीनों महीने आपके एकादश भाव में मीन राशि में ही रहेंगे। गुरु 1 मई तक मेष राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे और 1 मई के बाद आपकी राशि वृषभ राशि में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। तो ये बड़ा परिवर्तन है। जब भी शनि का, गुरु का, राहु का, केतु का राशि परिवर्तन होता है तो विशेष तौर पर बदलाव देखने को मिलते हैं। बुध देव की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो बुध जो है 12वें भाव में मेष राशि में अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे। 9 अप्रैल को पुनः ये मीन राशि में चले जाएंगे। इसके बाद जो है 10 मई को पुनः मेष राशि में आ जाएंगे और 31 मई को जो है ये वृषभ राशि में आ जाएंगे और 14 जून को जो है ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। बुध की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो 31 मई तक बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये वक्री होंगे, मार्गी होंगे, 12वें भाव में एकादश भाव में गोचर करेंगे और दोनों ही जगह बुध का फल जो है वो विशेष तौर पर अच्छा नहीं रहने वाला है। बुध के बाद गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे परिणाम देने का काम यहाँ पर गुरु जो है करने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। राहु और केतु जो है तीनों महीने जो है पंचम भाव में केतु और एकादश भाव में राहु रहने वाले हैं। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है अप्रैल के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर तीनों महीनों में कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और शुक्र जो है अप्रैल के महीने में मीन राशि में उच्च राशि में जो है एकादश भाव में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि जब भी कोई लग्नेश एकादश भाव में गोचर करता है तो विशेष प्रकार का बल उसके पास होता है और वो अच्छे परिणाम देने का काम करता है। और शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और उच्च राशि में 24 अप्रैल तक जो है शुक्र का गोचर रहेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति भाव है और जब भी लग्नेश से संबंध बन जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है, धन योग भी इसे कहते हैं। शुक्र की स्थिति 24 अप्रैल तक आपके लिए बहुत ही शानदार है। शुक्र यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि राशि स्वामी की स्थिति यदि अच्छे भाव में हो तो महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला होता है। तो शुक्र आपको अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन सावधानी भी रखना है, क्योंकि राहु और सूर्य के साथ शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए स्त्री वर्ग से सावधान रहने की जरूरत है। कोई गलत आरोप आपके ऊपर ना लग जाए
इसलिए कोई ऐसा गलत काम ना करें, यहां पर थोड़ा आपको सावधानी रखना है। सही रास्ते पर यदि आप चलेंगे तो विशेष तौर पर शुक्र जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, पर यदि आप गलत रास्ते में जाएंगे तो यहां पर शुक्र के साथ राहु की युति चारित्रिक दोष बनाती, इस कारण से आपके चरित्र में कोई ना कोई दोष लग सकता है यदि आप गलत मार्ग पर जाएंगे। तो विशेष तौर पर यहां पर सावधान भी रहना है और अच्छे लाभ भी यहां पर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो धन भाव के जो मालिक है वो बुद्ध देव है, और बुद्ध धन के भी मालिक है, पंचम भाव के भी मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, मेष राशि में। बुद्ध का गोचर 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। 12वें भाव में बुद्ध जो है गोचर करेंगे 9 अप्रैल तक, उसके बाद ये मीन राशि में आ जाएंगे एकादश भाव में, और यहां पर नीच राशि के हो जाएंगे। नीच राशि का ग्रह हमेशा बुरा परिणाम देने का काम करता है, साथ ही साथ राहु के साथ बुद्ध की युति जड़त्व दोष जड़ दोष बनाती है, इसलिए बुद्ध का गोचर आपके लिए अप्रैल के महीने में और मई के महीने में 31 मई तक अच्छा नहीं है, क्योंकि 10 मई को पुनः जो है 10 मई को मेष राशि में पुनः जो है बुध आ जाएंगे, इसलिए जो है 31 तारीख तक बुध आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। 31 तारीख के बाद बुध जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे तो पुनः अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब बुरे परिणाम क्या मिल सकते हैं, धन के मालिक हैं, 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि धन का व्यय करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति पैदा करने का काम करेंगे, बुद्ध बुद्धि है तो बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेंगे, वाणी दोष हो जाएगा, आप जो है किसी को अच्छा बोलेंगे लेकिन फिर भी उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा, कटु वाणी का प्रयोग आप कर सकते हैं, वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। पंचम भाव के मालिक है, शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे, अप्रैल के महीने में पढ़ाई लिखाई में मन अच्छा नहीं लगेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी बुध आपको देने का काम करेंगे, लो लाइफ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव वाली स्थिति हो सकती है, बिजनेस को लेकर के चिंता बन सकती है, मानसिक टेंशन हो सकता है, तो ये समस्याएं बुध देने वाले हैं 31 मई तक। बुध का उपाय आपके लिए विशेष तौर पर करने की जरूरत है, बुध का उपाय जो है जरूर करें, क्योंकि धन भाव के मालिक है और शिक्षा संतान संतान की चिंताओं को बढ़ाएंगे, लव लाइफ के भी मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देने का काम करेंगे, इसलिए बुध का उपाय आपको करना है। बुध जो है 31 मई के बाद आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये धन के मालिक है, लगन भाव में गोचर करेंगे, ये एक धन योग बनेगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि ये त्रिकोण के भी मालिक है, केंद्र भाव में विराजमान होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, तो बुध जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 31 मई से लेकर के जून का महीना आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, तो बुध जो है जून के महीने में आपको जबरदस्त रिजल्ट देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में जो कि सूर्यदेव, और सूर्यदेव अप्रैल के महीने में एकादश भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे, यहां पर एकादश भाव में सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक रहेगा, 13 अप्रैल तक सूर्य आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहु के साथ सूर्य की युति सूर्य ग्रहण दोष बनाती है, और सूर्य ग्रहण यहां पर रहेगा, इस कारण से स्वतंत्र रूप से उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सूर्य एकादश भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि यहां पर उनको बल मिल जाता है, गोचर के हिसाब से सूर्य का गोचर एकादश भाव में अच्छा माना जाता है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन का योग तो बनेगा, लेकिन उसमें कुछ परेशानियां भी आएंगी, डिले भी होगा, लेकिन आपका कार्य बन जाएगा। अब सूर्य देव जो है यहां पर रहने वाले हैं 13 अप्रैल तक, उसके बाद जो है मेष राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहां पर उच्च राशि में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य का गोचर
बारहवें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। यहां पर रुकावटों वाला समय रहेगा, परेशानियों वाला रहेगा, विघ्न पैदा करने का काम करेंगे, लेकिन ये उच्च राशि में होने के कारण कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में जो है बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, इसलिए यहां पर थोड़ा सावधानी रखना है, सोच समझ करके आपको काम करने की जरूरत है। पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद जो है आपको काम करना है। माता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसलिए यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आप जनता से जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं, तो जनता का सपोर्ट आपको थोड़ा कम मिल सकता है, इस पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे 14 मई तक, उसके बाद 14 मई के बाद जब ये वृषभ राशि में आ जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, एक अच्छी स्थिति बन जाएगी, राजनीति में भी सफलता देने का काम करेंगे, सरकारी क्षेत्रों में भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। राजनीति के साथ साथ यदि आप कोई नौकरी में है, ठेकेदारी से जुड़े हुए काम करते हैं, तो भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकते हैं, तरक्की मिल सकती है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, तो सूर्य 14 मई के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 14 मई से लेकर के 15 जून तक आपकी राशि वृषभ राशि में रहेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और उसके बाद जो है ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि मई के महीने में और जून के महीने में सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है, तो सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, और जून के महीने में बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो शुक्र की स्थिति भी जो है जून के महीने में मई के महीने में अच्छी रहने वाली है। शुक्र जो है 12वें भाव में जो गोचर करेंगे 24 अप्रैल से लेकर के ये 19 मई तक जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद जो है शुक्र की स्थिति 12 जून तक बहुत अच्छी, तो शुक्र भी जो है जून के महीने में मई के महीने में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। केतु के बारे में यदि बात करें तो केतु पंचम भाव में तीनों महीने गोचर करेंगे, और यहां पर जो है अप्रैल के महीने में मई के महीने में परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे केतु, लेकिन जून के महीने में केतु के भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। केतु भी आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति में जो है मजबूती लाने का काम करेंगे, शिक्षा के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सहयोग बनाएंगे, संतान की चिंताओं को दूर करेंगे, तो जून के महीने में केतु भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक है, मंगल सप्तम भाव के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है, आपकी कुंडली में मंगल मारक माने जाते हैं, और मंगल का गोचर दशम भाव में हो रहा है, दशम भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं, लेकिन शनि के साथ जब भी बैठते हैं तो यहां पर उनके बलों में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि द्वंद्व दोष भी बनाते हैं। दशम भाव में मंगल यहां पर बलवान तो होते हैं, लेकिन शनि के साथ बल में कमी देखने को मिलती है। मंगल दशम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, राजनीति के लिए बहुत अच्छे हैं, यहां पर मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, उसमें आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। विदेश जाकर के नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, अच्छे लाभ यहाँ पर मंगल देने का काम करेंगे। पार्टनरशिप में अच्छी स्थिति यहाँ पर बनाने का काम करेंगे, बिजनेस वाली स्थिति जो है उसको मजबूत बनाने का काम यहाँ पर मंगल करते हैं। तो मंगल जो है 23 तारीख तक आपके 23 अप्रैल तक दशम भाव में रहेंगे, उसके बाद जो है एकादश भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर भी मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में सावधानी भी रखना है, क्योंकि राहु के साथ मंगल की युति अंगारक दोष बनाती है, इस कारण से जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ करके डिसीजन लेना है, गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है, किसी के ऊपर हावी नहीं होना है, और कोई भी ऑन द स्पॉट डिसीजन आपको नहीं लेना है। हालांकि दोनों ही जगह मंगल अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शत्रु के साथ बैठने के कारण, युति होने के कारण कुछ आपको सावधानी रखना चाहिए। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। हालांकि धन लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपके कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, ये एक बेहतर स्थिति रहेगी। मंगल
एक जून को मेष राशि में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 12वें भाव में मंगल का अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, इस कारण से विशेष तौर पर ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। तो मई जून के महीने में भी मंगल आपको सहायता करेंगे और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा विघ्न जरूर आएंगे, रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन आपके काम बनने वाले हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। मंगल के बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, गुरु आपके अष्टम भाव के भी मालिक है और एकादश भाव के भी मालिक है। अप्रैल के महीने में गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, लेकिन 12वें भाव में यहां पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। यहां पर जो है गुरु 1 मई तक रहेंगे और 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, आपकी राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करें, क्योंकि गुरु जो है लगन भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम, कॉन्फिडेंस देने का काम, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में लाभ देने का काम, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम, लव लाइफ को बेहतर करने का काम और वैवाहिक जीवन को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, विघ्न मांगलिक कार्यों में समस्याएं पैदा करने का काम कर रहे थे, 1 मई 2024 से गुरु जैसे ही आपकी राशि में आएंगे तो विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, साथ ही साथ भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है, पिता के साथ संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, शिक्षा संतान लव लाइफ वैवाहिक जीवन भाग्य इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा 1 मई से। और 1 वर्ष तक गुरु जो है आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, आपके क्षेत्रों में मजबूती देखने को मिलेगी, कैरियर आपका बेहतर रहने वाला, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला, लव लाइफ वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहने वाला है। तो मई के महीने में, जून के महीने में गुरु आपके लगन भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बात करें शनि के बारे में, शनि आपके नवम भाव के मालिक है, दशम भाव के मालिक है और दशम भाव में अपने ही घर में कुंभ राशि में मूल त्रिकोण की राशि में सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और ये राजयोग जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। पंच महापुरुष में से एक राजयोग है सस नामक राजयोग, राजनीति वालों के लिए ये बेहतर राजयोग है, सरकारी क्षेत्र वालों के लिए भी बेहतर राजयोग है, मान सम्मान में वृद्धि करने का काम यहां पर शनि करेंगे, आपके कैरियर में जो है मजबूती लाने का काम करेंगे। हालांकि कर्म के क्षेत्र में डिले भी करवाते हैं, कोई भी कार्य को धीरे धीरे करवाने का काम करते हैं, लेकिन यदि आप काम में लगे रहते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं, तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, सफलता देने का काम करते हैं। और शनि यहां पर दो दो राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं और सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं, तो शनि आपके लिए सदैव योग कारक है, सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में शनि आपको तीनों महीने अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। विदेश से जुड़े हुए काम यदि करना चाहते हैं तो भी अच्छी स्थिति यहां पर है, पिता का सहयोग भी आपको बढ़िया मिलने वाला है, व्यापार बिजनेस या नौकरी के लिए भी यहां पर शनि अच्छे माने जाते हैं, तो तीनों महीने शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले। राहु के बारे में यदि बात करें तो राहु जो है एकादश भाव में सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन जब भी शत्रु के साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम देने का काम करते हैं, फिजूल का डर, फिजूल का मानसिक टेंशन देने का काम करते हैं। तो जैसे ही सूर्य के साथ बैठेंगे तो हल्की फुल्की स्थितियां यहाँ पर जो है नकारात्मक भी देखने को मिलेगी, राहु जब मित्र के साथ बैठेंगे तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अप्रैल के महीने में सूर्य की स्थिति रहेगी 13 तारीख तक, अप्रैल के बाद मई जून का महीना बहुत ही शानदार, यहाँ पर जो है राहु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, अचानक लाभ देने का काम करेंगे, अचानक जो है आपके भविष्य को बदलने का काम करेंगे, ऊंचाइयों तक ले जाने का काम यहाँ पर राहु करते हैं, तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। आपको उपाय करना है तो बुध का उपाय और शुक्र का उपाय करना है। बुध का उपाय ये है कि आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें।
शुक्र का भी उपाय करें, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप करें, जिससे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नियमित रूप से सूर्य को जल भी दें, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है, जो कि कॉन्फिडेंस को कमजोर करने का काम करेंगे, तो सूर्य का उपाय भी आपको करने की जरूरत है। सूर्य को नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना चाहिए। ये उपाय यदि आप छोटे छोटे करते हैं तो जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे और आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। यदि चल रही दशा अंतर दशा आपके फेवर में है तो समय बहुत ही शानदार है, इसमें कोई रुकावट वाला समय नहीं है, अच्छी स्थिति है और अप्रैल मई जून तीनों महीने आपके शानदार बीतने वाले हैं, लेकिन मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा और जून का महीना और अच्छा रहने वाला है। जून का महीना सबसे अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, एक अच्छी स्थिति है। ये एक साधारण फलादेश है। यदि आप विस्तार से और सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही करवा सकते हैं और विशेष तौर पर पूरी सटीक जानकारी जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।